हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में, जिसमें आज हम देखने वाले हैं कि जो कैप राउंड का प्रोसेस होता है तो उसमें सीट अलॉटमेंट के बाद आपके आगे क्या करना है, मतलब व्हाट नेक्स्ट आफ्टर सीट अलॉटमेंट, तो इसी के बारे में जानने वाले। तो ये वीडियो लास्ट तक देखना और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए आसान हिंदी में मैं लाता रहता। और चलिए देखते हैं कि सीट अलॉटमेंट होने के बाद आपको आगे क्या करना है। तो देखिए, इसमें जो प्रोसेस होती है, इसमें सबसे पहले आपने क्या किया था कि जो ऑप्शन फॉर्म था, मतलब जो कॉलेज के नाम थे, आपने वो डाला। जैसे कि एक नंबर पे कोई कॉलेज डाला, दो नंबर पे कोई कॉलेज डाला, तीन नंबर पे कोई कॉलेज डाला, इस तरह से आपने ऑप्शन फॉर्म जो है फिल कर दिया था। उसके बाद क्या होता है कि प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट आता है, मतलब सीट अलॉटमेंट हो जाता है आपको आपके परसेंटेज के हिसाब से, आपके जो भी परसेंटाइल होंगे उसके हिसाब से आपको जो कॉलेज अलॉट होता है। अब यहाँ पे क्या क्या दिखाई देता है आपको, यहाँ पे जो कॉलेज का नाम होता है, कौन सी ब्रांच आपको मिली है उसके बारे में पता होता है, और आपका जो क्या रैंक वगैरह होता है वो आपको यहाँ पे दिखाई देता है। तो आपको इसके बाद क्या करना है, तो देखिए, जब सीट अलॉटमेंट होता है तो उसके बाद आगे आपके पास तीन ऑप्शन आ जाते हैं। देखिए, तीन ऑप्शन कौन कौन से आते हैं, देखिए, ऐटो फ्रीज आता है, उसके बाद आता है फ्रीज और नॉट फ्रीज। देखिए, यहाँ पे मैं तीनों भी यहाँ पे एक साथ लेके आता हूँ। तो देखिए, तीन ऑप्शन आपके पास आ जाते हैं, जैसे ऐटो फ्रीज, फ्रीज और नॉट फ्रीज। देखिए, एक सैंपल के लिए हम मान लेते हैं कि आप पहला कॉलेज का आपने जो ऑप्शन फॉर्म भरा था, मान ली पहला ए के अलावा दूसरा बी, तो ये आपने इस तरह से जो कॉलेज के ऑप्शन फॉर्म भरा था, जो आपने कॉलेज के नाम डाले थे, पहले नंबर पे ए नाम का कॉलेज, दो नंबर पे बी नाम का कॉलेज और तीन नंबर पे सी नाम का कॉलेज। अब ऐटो फ्रीज का मतलब क्या है कि आपने पहले नंबर पे जो कॉलेज डाला था, एक नंबर पे आपने जो कॉलेज डाला था और आपको कॉलेज अलॉट हुआ है, मतलब जब सीट अलॉटमेंट हुआ उसमें आपको ए नाम का जो है कॉलेज मिल गया, मतलब पहले नंबर का ही कॉलेज आपको मिल गया, तो वो ऐटो फ्रीज हो जाता है, मतलब आपको इसी कॉलेज में अब एडमिशन लेना पड़ेगा, आपके पास नेक्स्ट राउंड के लिए जाने का ऑप्शन नहीं है, आपको अब इसी कॉलेज में एडमिशन लेना है। और अगर आप यहाँ पे एडमिशन नहीं लेते तो आप जो है कैप राउंड से बाहर हो जाओगे, आपके फिर कैप राउंड में एंट्री नहीं मिलेगी, आपको इसी कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा। देखिए, इसके लिए मैं एक इम्पोर्टेंट बात है कि जब आप ऑप्शन फॉर्म भरोगे ना, तो वहाँ पे ना, तो पहले नंबर पे कभी भी ऐसा कॉलेज डालना जो कि आपको लगना ही नहीं है, आपके परसेंटेज के हिसाब से बहुत बड़ा कॉलेज डाल दीजिए, क्योंकि मान लो कि आपको एक कॉलेज जैसे सीओईपी कॉलेज है, उसके लिए काफी कट ऑफ हाई रहता है, तो आप सीओईपी एक नंबर के डाल दीजिए, क्योंकि क्या होगा कि अगर मान लो कि पहले नंबर पे कॉलेज लग गया था, आपको उसी में एडमिशन लेना पड़ता है, आप दूसरे राउंड में नहीं जा सकते हो, फिर वो कॉलेज कैसा भी हो, मान लो कि किसी बच्चे ने यहाँ पे पहले नंबर पे बहुत खराब कॉलेज डाल दिया जो कि काफी बुरा कॉलेज है, पर वो एक नंबर पे डाला और उसे वही लग गया, तो अब उसे जो है उसी कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा, फिर वो बुरा हो या कैसा भी हो। तो इसकी वजह से क्या है कि यहाँ पे काफी अच्छा कॉलेज डाल दीजिए, ताकि आपको लग भी गया तो वहाँ पे एडमिशन लेने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ये होता है ऐटो फ्रीज। देखिए, उसके बाद आता है फ्रीज। मान लीजिए कि एक नंबर यहाँ पे आपने जो दो नंबर का कॉलेज डाला था और आपको वो मिल गया है, दो नंबर का कॉलेज मान लीजिए या तीन नंबर का मान लीजिए, दो नहीं मानते हम, तीन नंबर का वो जो कॉलेज था आपको मिल गया, यहाँ पे अलॉट हुआ, तीन नंबर का कॉलेज आपको अलॉट हुआ। अब फ्रीज का मतलब क्या है कि मान लो ये तीन नंबर का कॉलेज आपको अच्छा लगा और आप सोच रहे हो कि आप पे आपको एडमिशन लेना, मतलब आप तैयार हो गए हो कि इसमें आपको एडमिशन लेना, तब आप इसे फ्रीज करोगे। फ्रीज करने का मतलब क्या होता है कि ये कॉलेज आपको चाहिए, आप इसमें एडमिशन लेने वाले हो, तो उस वक्त आप फ्रीज करते हो। बट मान लो कि ये तीन नंबर का कॉलेज आपको मिला पर आपको ये कॉलेज नहीं चाहिए, अभी आपको इससे अच्छा कॉलेज देखना है, बेटरमेंट के लिए जाना, मतलब बेटर कॉलेज देखना है इससे, तब इनके आप जो है यहाँ पे नॉट फ्रीज करोगे। नॉट फ्रीज का मतलब क्या, क्या आपको जो है नेक्स्ट राउंड में जाना है बेटरमेंट के लिए, तो आपके पास क्या होगा, पहले कैप राउंड वन जो था इसमें तीन नंबर का कॉलेज मिला, तो ये कॉलेज तो आपके पास रहेगा, पर आप जो कैप राउंड जो है नेक्स्ट में भी जाओगे, जो नेक्स्ट कैप राउंड है इसमें भी जा सकते हो और यहाँ पे अच्छा कॉलेज डाल सकते हो और अच्छा कॉलेज लगेगा तो उसमें आप एडमिशन ले पाओगे। बट मान लो कि आपको जो है पहले कैप राउंड में ये कॉलेज मिला था तीन नंबर का,
और दूसरे कॉलेज, दूसरे जो कैप राउंड है उसमें आपको कोई भी कॉलेज नहीं मिला, तो जो पहले वाला कॉलेज था ये आपको मिल जाएगा। आप यहाँ पे एडमिशन ले पाओगे, आपको कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं आएगी। पर सेकंड राउंड में आपको कोई भी कॉलेज लगा तो आपको उसी में एडमिशन लेना पड़ेगा, ये कॉलेज आपको नहीं मिलेगा। सेकंड राउंड में अगर आपको कॉलेज मिलता है तो उसी में आपको एडमिशन लेना पड़ेगा, इस कॉलेज में आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। तो इस तरह से जो आपको करना है, सीट अलॉटमेंट होने के बाद जो आपको देखना है कि आपको जो है कॉलेज लेना है या नहीं। अगर पहले नंबर का कॉलेज लगता है तो ऑटोमेटिक फ्रीज हो जाएगा, उसमें आपको फिर एडमिशन लेना ही पड़ेगा। और मान लो कि आपको जो है एक कॉलेज मिला और आपको उसमें एडमिशन लेना था, फ्रीज करोगे, और आपको बेटरमेंट के लिए जाना था, नॉट फ्रीज करोगे और बेटरमेंट के लिए जाओगे। और अभी भी कुछ डाउट या सवाल होगा, क्वेश्चन होगा, तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, वहां पे भी मैं आपको हमेशा रिप्लाई करते रहता हूँ। या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हो, ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, आप यहाँ पे भी मुझे डीएम करके पूछ सकते हो, वहां पे भी मैं आपको हमेशा रिप्लाई करते रहता हूँ।